नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करेंगे गाइस अमर राजा बैटरीज की, और इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है, मैं अमर राजा बैटरी के ऊपर थोड़े दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारी क्वेरीज है। सर पैसे बर्बाद हो गए, मतलब बैट कंपनी क्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत समय से कंसोलिडेशन फेज भी जो चल रहा था वो भी खत्म हो गया, ओमिक्रॉन वायरस का अलग केस आ रहा है, इन्फ्लेशन अपने चरम पर पड़ रहा है, तो क्या कहाँ जाके रुकेगा ये जो दुख है, ये खत्म कहाँ होगा, ये दुख खत्म का ही नहीं होता है। बहुत फेमस डायलॉग है दोस्तों ये मसान मूवी का कि साला ये दुख खत्म का ही नहीं होता है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट अमर राजा बैटरी में क्या प्रॉब्लम है और ये इतनी जबरदस्त तरीके से गिर रहा है तो क्या करें दोस्तों, सब मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, आपको काफी चीजें कुछ स्टोरीज बताऊंगा ताकि, क्योंकि ये दोस्तों पता है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है शेयर में, अब जो खेल होने वाला है मार्केट वो है माइंड का, जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होगा वही मार्केट में अब टिक पाएगा, क्योंकि जो हनीमून पीरियड था स्टॉक मार्केट के जो नए लोग के आने का वो लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। आने वाला साल बहुत टफ है दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको सब चीज बताऊंगा, और मैं खुद बताऊँ कि मेरी पर्सनल अभी मैं क्या कर रहा हूँ शेयर्स में। और दोस्तों मैं बता दूं कि अमर राजा बैटरी में आज भी उतना ही बुलिश हूँ जितना कल था, ठीक है। अगर कई लोगों को मैं मानता हूँ हंसी आ रही होगी, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरा रैशनल समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब सीधा आपको एक बार लेके चलूंगा दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों लगभग 11:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप देखिए कि 4% के आसपास से गिरावट है दोस्तों, ठीक है, और ये गिरावट कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब करें क्या, देखिए दोस्तों अब जो समय है ना वो है माइंडसेट का। देखिए शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई नेगेटिविटी है ना कुछ है, पिछली बार का जो रिजल्ट आए थे वो भी मोर और लेस अच्छे ही आए थे, ठीक है, जितनी प्रॉब्लम शेयर में चल रही सब अच्छे थे। मैं आपको बताता हूँ, आपने IDFC फर्स्ट बैंक का नाम सुना होगा, आज बड़े लोग बुलिश रहते हैं उसमें। आपको पता है जब पिछली बार गिरावट हुई थी बड़ी भयंकर, ₹19 तक वो शेयर गया था दोस्तों, ठीक है, ₹19 तक वो शेयर चला गया था। आज आप देखिए जो उस समय खरीदे होंगे जिन लोगों के पास दोस्तों कहते हैं ना माइंडसेट रहा होगा, वो कितने प्रॉफिट में रहे होंगे दोस्तों बाजार में। आप बजाज फाइनेंस को याद रख लीजिए, बजाज फाइनेंस को, जब बजाज फाइनेंस का जब रिजल्ट आया था, जब पिछली बार गिरावट हुई थी 1800 तक गया था वो शेयर, और उसके बाद जब रैली आई दोस्तों 7, 7.5, 8 हजार, यानी 300-400% शेयर लोगों को वो प्रॉफिट दिया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा अमर राजा बैटरी आपको ऐसे ही 300-400% आने वाले समय में देगा, लेकिन ये सब दोस्तों बाजार के कारण हो रहा है। आप समझिए जो पिछले 2-3 सालों में जो इन्वेस्टर आए हैं नए नए, जिन्हें ATM मशीन की तरह ये मार्केट लग रहा था, जिनको अमर जिनको कहते ना राकेश झुंझुनू जी वाला का एक कहना चाहिए इंटरव्यू में एक लाइन था, जब हर्षद मेहता वाला केस हो रहा था तब बड़ा शानदार चलता था कि फंडा का मेंटल हो जाएगा वाला, अब जो चीज है दोस्तों अब वही हो रहा है। जितनी वीक हैंड है वो बाजार से जाएंगे और केवल जो स्ट्रांग हैंड है वो बचेंगे। आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म कई सब लोग बात करते हैं, भाई हम जो है ना हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अब वो बोलने से ज्यादा ना दोस्तों अब वो दिखाना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो दिमाग चाहिए, जो पेशेंस चाहिए, जो ताकत चाहिए, क्या वो आपके पास है? आराम से इत्मीनान से खुद भी रिसर्च करके हमको देखिए फिर और तेजी हो गई गिरावट, 4% से ज्यादा गिर गया। मैं वही कह रहा हूं अब जो समय ना दोस्तों वो समय, ये जो मार्केट गिर रहा है ये शेयर के कारण नहीं गिर रहा है, ना ही कोई शेयर में प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है बाजार के वीक होने का। बाजार क्यों वीक है आपको पता ही है भाई, जब पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड बैंक्स हैं, जो माफ कीजिएगा पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सब के सब अपना रेट हाइक कर रही है दोस्तों, FIIs लगातार माल उठा रहे हैं, US फेड ने कह दिया भाई कि हम आने वाला जो साल है 2022 उसमें हम कम से कम 3 बार रेट को बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, 3 रेट हाइक करेंगे। बॉन्ड जो लगातार खरीदारी जारी थी उसकी टेम्परिंग की जा रही है, खरीदना धीरे धीरे कम किया जाएगा। FIIs दोस्तों खतरनाक तरीके से सेलिंग कर रहे हैं बाजारों में, और जिस तरह से सेलिंग चल रही है, और मैं बता दूं 16,800 तोड़ना बाजार के लिए बहुत घातक है दोस्तों,
और ये तो 16,600 के आसपास चल रहा है जब मैंने लास्ट बार चेक किया था। तो बाजार अभी वीक होगा, शेयर्स अभी और गिरेंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोलता खरीदना छोड़ दो दोस्तों। इत्मीनान से आराम से खरीदते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, अमर राजा बैटरी। और दोस्तों अभी तो सेल चल रही है, जिनके पास कैश है वो अभी सबसे बड़ा सबसे जबरदस्त समय में दोस्तों। आप SIPs कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए, ठीक है। अभी अमर राजा बैटरी में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ बुलिश हूँ, टेक्निकली नहीं, पहले पॉलिटिकली वीक था, अब मार्केट के कारण वीकनेस आ रही है अमर राजा बैटरी में। दोस्तों अगर नहीं खरीदना है तो मत खरीदेगा, लेकिन प्लीज लॉस बुक मत कीजिएगा इस शेयर में। अगर आप कैश को पकड़ के 2-3 साल रख सकते हैं, एवरेज नहीं करना, बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन प्लीज लॉस बुक मत कीजिएगा। ये बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, आने वाला समय बहुत ब्राइट है इस शेयर का, ठीक है। और आप देखिएगा जब इनके जो प्लांट्स हैं जो बंद है उनके खुलने की खबरें आएंगी, 1-2 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट एंड प्रेसिडेंट पेश कर दें, बहुत भागेगा। क्योंकि देखिए ऑलरेडी शेयर बहुत ज्यादा गिर चुका है, बहुत ज्यादा गिर चुका है, इससे ज्यादा गिरना बहुत टफ है शेयर के लिए। और अगर मैं आपसे साथ लेवल्स की चर्चा करूं, आप देखिए ये वीकली बेसिस के लेवल्स है, क्योंकि डेली में तो टूट गए हैं। आज इसने क्या लेवल को तोड़ा दोस्तों, 600 को तोड़ दिया है, ठीक है, ये लेवल तो टूट गया। नेक्स्ट क्या है, 592.77, 592.77। और आप देखिए ये फिबोनाची सीरीज में जाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि फिबोनाची सीरीज में भी जो 606 पॉइंट, रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूं, ये जो 592.77 है ना, ये देखिए 1 सेकेंड, हाँ 592.77, और ये देखिए 592.77। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है नेक्स्ट एक्यूमुलेशन का, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 569। तो जो कंजर्वेटिव हैं, जो थोड़ा सा बाजार में रिस्क कम लेना चाहते हैं भैया, वो 569 का इंतजार करें प्लीज। कितना 569 के, यानी 570 के आसपास का, और 550 से लेकर के 575 नेक्स्ट मुझे अच्छा जोन लग रहा है दोस्तों, ठीक है। ये वो लेवल्स है जहां एंट्री लेनी चाहिए आपको, और लेकिन दोस्तों वही एंट्री ले, वही प्लीज एवरेज करें जो अभी शेयर को कहना चाहिए मजबूती से पकड़ सके 1 से 2 साल, क्योंकि मार्केट बहुत वीक है, कहां जाके थमेगा किसी को नहीं पता दोस्तों, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात है, शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, अपने जो कहते हैं दोस्तों अपनी जो फील्ड की एक मजबूत खिलाड़ी है। अभी बाजार इन्फ्लेशन के कारण बहुत ज्यादा वीक है, FIIs लगातार माल हटा रहे हैं दोस्तों, ये शेयर आपको शायद 500 तक भी जाते दिखाई दे, और ये हार्श रियलिटी है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी 15,000 तक जा सकता है, कई एनालिस्ट का ये कहना है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये एक्सैक्ट चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा होता है बहुत पेनफुल रहेगा मार्केट। अब मैं फिर कहूंगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलेगा इस शेयर बाजार में दोस्तों, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कल आजकल में बाजार पलटी मार जाए, या एक डेड कैट बाउंस आ जाए, इतना गिर चुका है। तो इन सब चीजों के लिए दोस्तों प्लीज तैयार रहिएगा, ठीक है। ये जो शेयर है ना, शेयर बाजार ऐसे ही काम करता है दोस्तों, ठीक है, शेयर बाजार ऐसे ही काम करता है। तो प्लीज, और आप आपको बता दूं, दिसंबर 15 से लेकर के जनवरी तक FIIs थोड़ा कम एक्टिव रहते हैं दोस्तों, इसीलिए मार्केट में खरीदारी भी कम है और वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। DIIs माल खरीदे, लेकिन कितना खरीदेंगे वो भी, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों शेयर में। मैं फिर कहूंगा देर इज नो प्रॉब्लम इन शेयर। लेवल्स आपके साथ जो मैं चर्चा किया हूं उसमें अगर आप एवरेज कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत अमाउंट में कर सकते हैं दोस्तों, अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए दोस्तों। लेकिन प्लीज जो कहते हैं दोस्तों कि सेल मत कीजिएगा दोस्तों लॉस में, क्योंकि कंपनी अच्छी है, केवल बाजार के कारण प्रेशर में है दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा हमारा राजा के साथ कहता हूँ, लॉन्ग टर्म बेट है, कंसिस्टेंट बेट रखिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, अच्छे ये जो शेयर है आपको अच्छे दिन जरूर दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मेरी बात पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल बनाया, जाके देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, जो मेरी पर्सनल राय है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहने धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।